महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ज्ञानवापी प्रकरण के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। टेढ़ी नीम स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के जिस हिस्से में चार तहखाना बताया जा रहा है, दरअसल वे मंदिर के चार मंडप हैं। उनके मध्य में विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। इन चारों मंडपों के नाम ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप, श्रृंगार मंडप और मुक्ति मंडप है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1991 में डीएम सौरभ चंद के समय जब फोटोग्राफी कराई जा रही थी, तभी मैंने वहां मंदिर के अवशेष आदि देखे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की जिस तरह से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, तो आगे आप पीढ़ी दर पीढ़ी से आप भी वही बचपन गुजारे, तो क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? देखिए, 1679 से हमारे पूर्वज से लेके आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं, और वो मंदिर परिसर में कई बार मैं घूमा हूँ, कई बार चला हूँ। आखिर में जब सौरभ चंद श्रीवास्तव डीएम थे, तो उनके साथ मैं जाके पूरा निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि उसके अंदर शिवलिंग है, तो तमाम जो इतने खम्भे हैं वो जो है नागर संस्कृति की बड़ी कलाकृति के अनुसार बनी है। नंदी भगवान के सामने भगवान शंकर का वो है अर्घा है, शिवलिंग है, और वो हम सीधी मांग करते हैं जो पूर्वी तरफ जो कुआँ है, भगवान शंकर यहाँ आए तो पहले सबसे वहाँ पर जो कूप की स्थापना किए, जिसे माँ पर स्नान करती थी, अतः जो है वो कूप है, वही कूप है जिसके लोग कहते हैं कुएं में जो है पन्ना महा जो है शिवलिंग के कूप, वही कूप है, वो उसी कूप के बारे में जो है चर्चा हो रही है। और जब हम सीधी मांग करते हैं सबसे, न्यायालय के तो खैर अप्लीकेशन देना पड़ेगा, लेकिन हम आम जनता से सबसे मांग करता हूँ कि हम लोग भाई तीनों तरफ की दीवारें खोली जाए, पूरब की, उत्तर की, दक्षिण की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, मुसलमान भाई से पूरे सहयोग की, अगर वो सही निकला तो आप लोग समर्थन करें, कोई बात की जरूरत नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी सीमा के रहना चाहिए। और जो उसमें सात मंडप हैं, जो पिछला मंडप है उसके जो टीला है वो आप देखिएगा, उस टीला के नीचे जो है वो है, और उसके नीचे भी बहुत से शिवलिंग आप मिलेंगे, और दक्षिणी दीवार में इतने शिवलिंग गिरे मिलेंगे कि आप प्रचुर मात्रा में गारंटी कर सकता हूँ जो मैंने देखा है वो हैं, और उसको खोला जाए, बाकी चीज़ें अदालत की है।